जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा का नाम सामने आने के बाद से ही जेडीयू की नई रणनीति और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की वापसी को लेकर चर्चा जोरों पर है। जहां एक तरफ कुशवाहा समाज से आने वाले उमेश कुशवाहा को बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने अपना पुराना लवकुश समीकरण साधने की कोशिश की है, तो वहीं कभी उनके सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा को भी करीब लाने का कदम उठाया है। वो ऐसे कि उमेश कुशवाहा कभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी रहे थे। उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही वैशाली जिले के रहने वाले हैं। दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी एक है। बताया जाता है कि जेडीयू में रहते हुए जब उपेंद्र कुशवाहा का नाम कद्दावर नेताओं में शुमार था, तब भी उमेश कुशवाहा की उनके साथ अच्छी दोस्ती थी। इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा का नाम सामने आया तो उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया का हर कोई इंतजार कर रहा था। यही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा के तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे और उन्हें एमएलसी सीट मिल सकती है। लेकिन ये एमएलसी सीट जेडीयू के कोटे से होगी, क्योंकि जेडीयू का विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन रहा था। ऐसे में लवकुश एक बार फिर साथ आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सर और पार्टी के नेता लोग ने जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दिया, उस जवाबदेही को मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोग का पार्टी का जो मूल मंत्र है विकास का, जो हमारे नेता का जो आगे बढ़ रहे हैं न्याय के साथ सबों का विकास, और उसी के रूप में हम लोग उसको कायम रखेंगे। समाज के सब तबके के लोगों को साथ जोड़कर एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने का जो हमें जवाबदेही दिया है, उस जवाबदेही को हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे सफलतापूर्वक। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कुर्मी और कुशवाहा समीकरण के जरिए ही अपनी जड़ें जमाई थी। इसके लिए नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी और कोयरी समुदाय की बड़ी रैली की थी, जिसे उन्होंने लवकुश का नाम दिया था। ये पहली बार था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने खुद को स्थापित किया था और चुनौती दी। नीतीश कुमार ने 2003 में रेल मंत्री रहते हुए बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी की कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाने का काम किया था। कुशवाहा को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर नीतीश ने बिहार में लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को मजबूत किया था, और इसी फॉर्मूले के जरिए नीतीश ने 2005 में बिहार की सत्ता की कमान संभाली थी। आज फिर नीतीश कुमार को जेडीयू को मजबूत करने की जरूरत आ पड़ी है, और एक बार फिर उन्होंने अपने इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए उमेश कुशवाहा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये थी बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।